थँक्यू योगी पाहुण्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय टॉस बॉक्समध्ये. टॉस आमच्याकडे आहे, स्पेशल कॉईन बनवण्यात आलेला आहे पाहुण्यांच्या आणि संघांच्या माहितीसाठी. एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल या स्पर्धेचं नाव आहे स्वर्गीय महादेव उर्फ भाऊसाहेब दळवी स्मृतिचषक 2019 आणि भाऊसाहेबांची ही प्रतिमा देखील आहे त्या बाजूला. तर दुसऱ्या बाजूला आम्ही कासनेकर अर्थात या स्पर्धेचे आयोजक. सामना प्रत्येकी 3 षटकांचा असेल, पहिलं षटक पॉवर प्लेचं राहील. देवा कॉल देत आहेत या ठिकाणी जय भोलेनाथ सरवलीपाडा संघाच्या बाजूने. आम्ही कासणीकर असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि तेच आलेलं आहे. तर टॉस जिंकलाय सरवलीपाडा टीमच्या कॅप्टनने. थँक्यू सर, आपल्याला विनंती करतो आपण व्यासपीठाची पुन्हा एकदा शोभा वाढवावी. तर देवा टॉस तुमच्या बाजूने लागलेला आहे, काय नेने शत्रक्षण क्षेत्ररक्षण करणार आहात. देवरुंग संघाने नुकताच एक सामना जिंकलाय, चांगलं प्रदर्शन केलंय. एक मोठी टीम आहे आमने लोणार परिसरातील, मात्र तुमचा संघ देखील बलाढ्य संघ आहे. तर साधारणतः काय टार्गेट पर्यंत थांबवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करणार आहात? 45. आणि तुमच्याकडे कुठले गोलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून तुम्हाला जास्तीत जास्त या 3 षटकांच्या खेळामध्ये अपेक्षा आहेत? नितेश आणि सागर. निश्चितच. एकूणच या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल तुम्ही काय बोलू इच्छिता? आयोजन तर खूप छान आहे, इथे खेळायची संधी दिली तर कमिटींचे धन्यवाद म्हणतो मी. थँक्यू सो मच आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी, आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा. शरद, टॉस तुमच्या बाजूने लागला नाही, मात्र तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे आणि तुमची बॅटिंग ऑर्डर आम्ही पाहिली तर खूपच स्ट्रॉंग दिसते आम्हाला. तर काय वाटतं की किती चांगला स्कोर असेल तुमची गोलंदाजी देखील पाहता आणि समोरचा संघ पाहता? बॅटिंग लाईन आमची चांगली आहे, आम्ही प्रयत्न करू जास्तीत जास्त रन्स करण्याचा आणि हनुमान आणि विजय आपले चांगले खेळतील अशी मला आशा आहे. पहिल्या मॅचमध्ये जो संघ होता तोच आहे की काही आता चेंजेस पाहायला मिळतील? नाही, तोच आहे. आणि एकूणच जो परफॉर्मन्स पहिल्या मॅचमध्ये पाहिला, क्लिनिकल परफॉर्मन्स होता, तुमच्या मते कसा परफॉर्मन्स होता तो? चांगला परफॉर्मन्स होता, फक्त थोडा डिफेन्स खेळायचं होतं कारण स्टार्टिंगला आपल्याकडे रन कमी होते, परंतु विजयाने चांगले फटकेबाजी दाखवली आणि 2 ओव्हरमध्ये खतम करण्याचा प्रयत्न केला, चांगली बॅटिंग केली त्यांनी. निश्चितच. तर आपल्याला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. मित्रांनो, दुसऱ्या फेरीतील सामना आहे आणि या सामन्याची नाणेफेक तुम्ही पाहिली, नाणेफेक संपन्न झाली टॉस बॉक्समध्ये. टॉसमधून समाचार असा आहे की जय भोलेनाथ सरवलीपाडा टीमच्या कॅप्टन देवानं टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आहे. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद अजय. तर अतिशय जबरदस्त सामना प्रेक्षकांना नक्की त्या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळणार आहे. वॉर ऑफ टायटन्स, जय भोलेनाथ सरवलीपाडा विरुद्ध जय हिंद देवरुंग. प्रत्येकी 3 षटकांचा हा सामना असणार आहे. दोन्ही संघांची आपण जर तुलना केली अजय, तर नक्कीच दोन्ही संघ तुल्यबळ संघ आहेत, बॅलन्स संघ आहेत. दोन्ही संघाकडे गोलंदाजी चांगली आहे, फलंदाजी सुद्धा चांगली आहे. तर नक्कीच एक चांगला बॅटल आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. तर जय बोलण्यास सरवलीपाडा संघाने त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे, जास्त वेळ न खर्च करता. आणि दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू सुद्धा समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. यानंतर महाप संघ आणि घोटसई संघ आपण सुद्धा तयारीत राहायचा आहे, कारण पहिली इनिंग संपल्यानंतर लगेच आम्ही या ठिकाणी नाणेफेकी करणार आहोत. तर तुम्ही सुद्धा सज्ज राहा आणि पहिल्या फेरीतला अंतिम सामना आपल्याला मित्रांना पाहायला मिळणार आहे, अडवेंचर वडवली विरुद्ध जय बजरंग भावाले. बिलकुल. और ये जो मॅच अब चालू होणे जा रहा है, ये दुसरे राऊंड का मॅच है. हमने देवरुंग टीम को अभी अभी जीतते हुए देखा, लेकिन दर्शक सोच रहे होंगे कि सरवलीपाड़ा टीम कब अपना पहला मैच खेली. तो सरवलीपाड़ा टीम को पहला मैच खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इताड़े टीम जो उनके सामने टीम थी पहले राउंड के मैच में, वो यहां पर पहुंची नहीं. तो वॉक ओवर विन दिया गया है सरवलीपाड़ा टीम को, और उसके चलते सीधे दूसरे राउंड में इस टीम को हम देख रहे हैं. और हर एक मैच जीतना ज़रूरी है. यदि टूर्नामेंट में आपको आपकी चुनौती बरकरार रखनी है तो हर मैच जीतना होगा, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है. जो जीता वही सिकंदर, जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया. नक्कीच. आणि प्रत्येक संघ जे जिंकण्याच्या प्रयत्नामध्येच प्रयत्न करत असतात मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु नक्कीच काही चुकांमुळे आपला संघ कधी कधी स्पर्धेच्या बाहेर फेकला जात असतो. परंतु कुठल्याही संघाला असं वाटत नसेल की आम्ही स्पर्धा सोडून जावं. परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, क्रिकेटचे काही नियम आहेत. जो संघ जिंकेल तो पुढच्या फेरीमध्ये पात्र ठरत असतो आणि जो संघ हरतोय त्याला मात्र स्पर्धा सोडावी लागते. तो बहुत ही बढ़िया घमासान हो सकता है गेंद और बल्ले के बीच में. दोनों भी बहुत ही बड़ी टीमें हैं भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट की. जय हिंद देवरुंग और जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा. जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम हम सिटी क्रिकेट में भी देखते हैं,
शरद भोईर साहब की ये टीम है, और हालांकि आजकल उतना अच्छा प्रदर्शन जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम का देखने को मिला नहीं है, खासतौर पर पिछले 2-3 सालों में, लेकिन उससे एक समय था जब काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम ने सिटी क्रिकेट में, लेकिन अब काफ़ी क्रिकेट बदल गया है, अब और अन्य जो टीमें सिटी क्रिकेट में हम देखते हैं उनका कहीं ना कहीं राज चल रहा है, जिसमें दिनेश इलेवन कुक से टीम का हम जिक्र कर सकते हैं। मराठा पंजाब टीम ने हाल ही में एक टूर्नामेंट जीता, युतिका स्पोर्ट्स ने भी एक टूर्नामेंट सिटी क्रिकेट में जीता है, तो सिटी क्रिकेट की भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम है, स्वर्गीय महादेव स्मृति चषक 2019 कासणी, अतिशय भव्य दिव्य अशी या प्रकारची स्पर्धा निकित आप ठिकाणी पाहायला मिळते। हा जे निकित तुला एक प्रश्न विचारेन, सिटी क्रिकेट आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये कशा प्रकारे आपण पाहू शकतो, या कोणत्या स्पर्धेला जास्त पाठीराखे एन्जॉय करत असतात? देखिए दोनों क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि दर्शक उतना ही एन्जॉय करते हैं। गांव के लिए जब आप खेलते हो तो एक अलग फीलिंग रहती है, खासतौर पर खिलाड़ियों के लिए, जब आप गांव के लिए मैदान में खेलते हो गांव की प्रतिष्ठा का एक तरह से सवाल होता है, ये सोचकर ही खिलाड़ी मैदान में आते हैं, पैसों के लिए नहीं खेलते हैं ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटर्स। और सिटी क्रिकेट का एक अलग मज़ा है, वहाँ पर आपको प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है, और सिटी क्रिकेट को भी मैं समझता हूँ कि दर्शक उतना ही एन्जॉय करते हैं जितना ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट को एन्जॉय करते हैं। खरं गीता म्हणजे क्रिकेटचा खेल असा की तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठेही जाऊन तर पाहिलं तर मात्र क्रिकेटला तुम्ही एन्जॉय करू शकता, म्हणजे क्रिकेट असा खेळ आहे की अखंडता, एकत्रित एकीचं बल काय असतो ते नक्कीच क्रिकेट त्या खेळामध्ये नक्कीच आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतोय। और देखिए योगेश, जब आप क्रिकेट का खेल देखते हो, आप यदि सच्चे क्रिकेट प्रेमी हो तो आपके जो चहेते खिलाड़ी है उनको तो आप सपोर्ट करते ही हो, लेकिन उसके उस खिलाड़ी के विरुद्ध जो टीम होती है वो टीम भी जब अच्छा खेल का प्रदर्शन करती है तो उनकी भी आप सराहना करते हो, एक अच्छे क्रिकेट प्रेमी की ये निशानी है। आणि हे दृश्य नेहमीच अजय आपण इंग्लंड मध्ये नक्कीच पाहू शकतो, या इंग्लंडचे जे प्रेक्षक असतात अजय, या मग तो कोणताही संघ असू द्या, तर कोणत्या खेळाडूकडे चांगली कामगिरी होत असेल तर नक्की त्याचा टाळ्या वाजून त्याचा अभिवादन नेहमीच होता है, इंग्लैंड की एक मित्र बने परंपरा है। बिल्कुल, लेकिन हम वानखेड़े में भी देखते हैं एबी डिविलियर्स, खासतौर पर वेस्ट इंडियन खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, कोलकाता के मैदान पर ईडन गार्डन्स पर भी भारतीय दर्शक दूसरी टीमों के जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको भी सपोर्ट करते ही है। इस बार पहली गेंद निकल के खेला है इनफील्ड के ऊपर से, विजय केने के बल्ले से खूबसूरत शॉट, 4 रन, आक्रामक शुरुआत। दरम्यान या ठिकाणी स्पर्धेला सन्माननीय जयवंतजी कोलेकर आणि शिरीषजी कोलेकर यांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत, दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय, आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाण्याची सुविधा मोफतच्या रूपाने कासने गावासाठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध करत असतात, म्हणजे खूप मोठं योगदान आहे अजय या दोन्ही मान्यवरांचं कासने गावासाठी। बिलकुल, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है योगेश, और जिस किसी ने भी प्यार से किसी को पानी पिला दिया उसने कहा जाता है कि समुंदरों को नीचा दिखा दिया। पहली गेंद पर चौका, शॉर्ट पिच गेंद थी नीतीश की, गेंदबाज ने चतुराई दिखाई थी ये देखते हुए कि बैट्समैन आगे निकले हैं, गेंद को पटका था लेकिन उसके बावजूद भी विजय ने मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा। विजय केने और हरेश पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, देखना है वहां पर मेरे ख्याल से किसी तो खिलाड़ी पर ऑब्जेक्शन लिया गया है, जैसे कि दृश्य हमने पिछले मैच में भी देखा था, और देखना है अब कमेटी का क्या निर्णय आता है। कुणाल गोंधली इस समय मैदान में, सागर भोईर उनसे चर्चा करते हुए, दोनों बल्लेबाज है वहां पर, तो थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। पहली गेंद पर चौका जड़ा विजय ने, शुरुआत तो बढ़िया की है लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है अजय, या मैच थांबले तर नक्कीच आपण या ठिकाणी चर्चा सुरू ठेवूया क्रिकेटच्या खेळाबद्दल। जी हाँ, सिटी क्रिकेट की हम भी चर्चा कर रहे थे, सिटी क्रिकेट में आरडी भी एक अच्छी टीम बनी है इस सीजन में, भिवंडी तालुका क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे आरडी 11 भी। म्हणजे आपण सिटी क्रिकेट मध्ये सुद्धा पाहू शकतो की कोणताही संघ कोणत्याही संघाला मात्र पराभूत करू शकतो, अशा प्रकारचे संघ आपल्याला या सत्रामध्ये पाहायला मिळत आहेत।
खास करून धनेश इलेवन, कुकसे असेल, आरडे इलेवन असेल, मराठा पंजाब, युतिका स्पोर्ट, महिंद्रा स्पोर्ट, जसं एक पेक्षा एक सरस. आणि त्यानंतर नवदीत संघ सुद्धा अजय या स्तरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खास करून आपण पाहिलं तर पायक गावकडे एक संघ आपल्याला सिटीकडे एक चांगला पाहायला मिळतो. त्याने राजनोली गावातून एक संघ आपण पाहतो, रियान स्पोर्ट राजनोली. म्हणजे क्रिकेटमध्ये अजूनही संघांची जर आपण पाहिली तर नक्कीच वाढ होत आहे. म्हणजे क्रिकेटला किती लोक अजय पसंत करतायत ते आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो या. बिल्कुल, और खासतौर पर भिवंडी का जो क्रिकेट है वो काफ़ी लोकप्रिय है. भिवंडी का सिटी क्रिकेट खासतौर पर एक अलग तरीके का क्रिकेट देखने को मिलता है. भिवंडी तालुका में, कल्याण भी तालुका है, कई तालुका है हमारे देश में, लेकिन भिवंडी एक ऐसा तालुका है जहाँ पर सिटी क्रिकेट का फॉर्मेट देखने को मिलता है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और ग्रामीण क्रिकेट भी बहुत खेला जाता है भिवंडी में. इस समय हार्दिक शुभकामनाएं जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम के लिए आती हुई सरवलीपाड़ा से कपिल पाटिल ने यह हार्दिक शुभकामनाएं दी है और साथ ही इस टूर्नामेंट की भी उन्होंने काफी सराहना की है. बहुत बहुत शुक्रिया कपिल. नक्कीच क्रिकेटचा खेल असा की नक्कीच कोणीही वंचित राहणार नाही. डॉक्टर, इंजिनियर किंवा इतर काही पदवीधर व्यक्ती व्यक्तित्व नक्कीच क्रिकेटला आकर्षित करणारे हा खेल आपण नेहमीच पाहत असतो. लक्षात घ्या, जैन देऊ संघ फक्त कर्णधार कमिटीशी संवाद साधेल, त्या व्यक्तीचा कोणताही खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जाणार नाही याची आपण काळजी घ्या. प्लीज आकाश, प्लीज कॉपरेट, फक्त कर्णधार संवाद साधेल कमिटीशी, त्या व्यक्तीत कोणी जाऊ नका. तर नक्कीच पाहूया कमिटीचा काय निर्णय या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅच या ठिकाणी सामना सुरू करायचा आहे, कारण की जर काही कारणास्तव खेळ थांबला होता, आता मात्र खेळ पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये मात्र सुरू होतोय. खेळ थांबण्या अगोदर आपण पाहिलं तर एका चेंडूची फेकी केली होती गोलंदाज नितेशने. चार धावा त्या चेंडूवर आल्या होत्या विजय केणीच्या बॅटमधून. चार धावून आपलं वैयक्तिक खातं उघडलं होतं, संघाचं अकाउंट ओपन केलं होतं. आता मात्र पुन्हा एकदा नव्याने इथे मात्र नितेशला सुरुवात करावी लागेल. बिलकुल, थोडी देर के लिए खेल रुका हुआ था. सीधे बैट से चिप किया है, फील्डर आते हुए वहां पर बेहतरीन कैच. ओहो, कमाल का कैच मोनिश ने, कमाल कर दिया है. आइए जरा रिप्ले में देखते हैं इस कैच को. केवल चिप शॉट की तरह खेला था, ज्यादा तो ताकत नहीं झोंकी और देखिए कितना अंदर की तरफ दौड़कर आए वहां पर मोनिश. अपना संतुलन भी थोड़ा सा गवा रहे थे. फिर से देखते हैं, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, सीधे बैट से यह स्ट्रोक खेला गया था. काफी देर हवा में रही गेंद और ये पहले प्रयास में हाथ से गेंद निकली, लेकिन उसके बाद ओहो कमाल का कैच, लाजवाब कैच. कैचेस विन द मैचेस. अतिशय जबरदस्त झेल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. या आजच्या दिवसाची जर तुलना केली जाईल शतरक्षणाची तर कॅच ऑफ द डे अर्थात आपण नक्कीच म्हणू शकतो. पहिल्या प्रयत्नामध्ये चेंडू हातातून निसटला, परंतु तिथे चेंडूवर शेवटच्या क्षणापर्यंत लक्ष ठेवलं आणि त्यानंतर आपण दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये मात्र झेल टिपला. म्हणून तर मित्रांनो क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हटलं जातो पकडा कॅच, जिंका मॅच. कॅचेस विन द मॅचेस. खतरनाक बॅट्समन विजय केणे आउट हुए. अच्छे टच में थे विजय, लेकिन कमाल का कैच देखने को मिला, अद्भुत कैच. और इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे अच्छे कैचेस हमें देखने को मिले हैं, हालांकि काफी कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं. डोले टीम की ओर से भी हमने देखा था कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर राजा ने दो बेहतरीन कैच लिए थे और सबसे अच्छा कैच मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट का अभी तक राजा के नाम ही है. हालांकि ये कैच भी आसान नहीं था जो मोनिश ने लिया है. नए बैट्समैन आए हैं मनोज. इस बार शॉर्ट गेंद बैक फुट पर जाकर पुल कर दिया है खाली क्षेत्र में, पहले बाउंस पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए. इथे मात्र आपण पहिली तर हरेश ने जागा बनवली अजय, थोडासा रूम बनवला आणि निकिता पाहिलेत की टप्प्याची वाट पाहिली आणि इथे मात्र टप्प्याला चिल वाट सुद्धा लावली. चांगली फलंदाजी मागील सामन्यामध्ये हरेशकडे आपल्याला पाहायला मिळाले. असे अनेक प्रकारचे फटके आपण हरेशच्या बॅटमधून पाहिले होते. सामन्यावर पुरस्कार त्याने पटकावला होता आणि इथे मात्र सुद्धा या सामन्यात सुद्धा चांगला टस्टमध्ये पाहायला मिळतोय.
बिल्कुल 360 डिग्री में खेलने वाले बैट्समैन है, पुल हुक बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, और ये शॉट तो उनका सबसे प्रिय स्ट्रोक है, स्विच इट शॉट थर्ड मैन के ऊपर से निकाल दिया 4 रनों के लिए। योगेश, मुझे याद आता है पिछले सीजन में जो गुरवली निम्बोली में टूर्नामेंट हुआ था जय बजरंग बली क्रिकेट क्लब का, उस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन बैट्समैन साबित हुए थे हरीश, 100 से अधिक रन बनाए थे और उसमें से 80% से भी ज्यादा रन उन्होंने स्विच इट के माध्यम से बनाए थे। आणि अजय, त्याच प्रकारचं दृश्य आपल्याला या स्पर्धेमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतंय। पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे फटके आपण अनेकदा पाहिले हरीशच्या बॅटमधून, आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे फटके आपण पाहतोय। विकेटच्या पाठीमागे असेल, विकेटच्या समोर किंवा मिड विकेट लॉंग ऑन कडे, म्हणजे मैदानाच्या चौफेऱ्या बाजूने फटकेबाजी करू शकतो, अशा प्रकारची क्षमता हरीशच्या या फलंदाजीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। और गेंदबाज की यदि हम बात करें नितेश की, तो कहीं ना कहीं ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक 3 चौके इस पहले ओवर से। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉट फाइन लेग के ऊपर से हुक करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से नहीं खेल पाए। इस बार कोई रन नहीं, स्कोर 12 रनों पर रुका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुमूल्य विकेट जरूर प्राप्त किया है लेकिन 3 अच्छे शॉट्स भी इस पहले ओवर में हमें देखने को मिले हैं। अभी भी इस ओवर में 1 गेंद शेष, कुल मिलाकर 3 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, और उसको देखते हुए जरूर बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि हर गेंद पर बड़ा शॉट खेला जाए। ओवर की अंतिम गेंद, इस बार शॉट गेंद, उल्टा शॉट और उसमें फंस गए। जो ताकत आपकी मानी जाती है वो कई बार कमजोरी भी साबित हो जाती है। बढ़िया कैच। आणि अजय, क्रिकेटमध्ये सुद्धा नेहमीच म्हटलं जातोय, जर तुम्हाला फलंदाजाला बाद करत असेल तर त्याचा जो प्रिय स्ट्रोक आहे तो फटका त्याला खेळण्यासाठी भाग पाडा। आणि इथे मात्र तशाच प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहिली नितेश कडनं, आणि त्याचा जो प्रिय स्ट्रोक होता हरीशचा त्या स्ट्रोकमध्ये मात्र फसतोय, आणि इथे मात्र दुसरा धक्का लागतो जय हिंद संघाला। ऐसे बीच सन्मान्य रामदासजी शेळके साहब का यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है, अमर क्रीडा मंडल के अध्यक्ष है, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उनके माध्यम से हम देख रहे हैं कि गेंदे स्पॉन्सर की गई है इस टूर्नामेंट में। उत्कर्ष कॉलेज के उपाध्यक्ष भी है सन्माननीय रामदास शेळके साहब, उनका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है स्वर्गीय महादेव धर्मी स्मृति चषक 2019 में। तो दूसरे विकेट का पतन हुआ है, शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट प्राप्त किया नितेश ने, सफल रहे नितेश, 12 रन जरूर खर्च किए लेकिन 2 बहुत ही बड़े विकेट प्राप्त किए। विजय 4 रन बना, लॉन्ग ऑन पर बढ़िया कैच उनका मुनिश ने लिया, और हरीश 2 चौकों की सहायता से 8 रन बनाकर पेवेलियन में लौट चुके हैं। अब 2 नए बल्लेबाज एक क्रीज पर, मनोज और हनुमान। हनुमान काफी अनुभवी और काफी तगड़े खिलाड़ी है, बाहुबली बैट्समैन के तौर पर उनको माना जाता है, कसा हुआ बदन है, लंबे ऊंचे कद के है और बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं। आणि हनुमानचा जर आज आपण विचार केला तर सिटी क्रिकेटसाठी आपण पाहिले तर जय भोलेनाथ संघाकडे सुद्धा त्यांनी नक्कीच क्रिकेट खेळलेला आहे, परंतु इथे मात्र आपल्या गावासाठी मात्र प्राण प्रतिष्ठा लावताना मनोजचा या ठिकाणी मात्र अतिशय जबरदस्त हाणाकाती प्रहार आहे, परंतु मोनिशकडे मात्र अशा प्रकारची चूक कधी घडणार नाही, अतिशय जबरदस्त झेल लॉंग ऑनकडे मात्र टिपतोय फलंदाज बाद। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, सीधे बैट से लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला लेकिन वहां पर खेला जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, जितना अंतर चाहिए था बाउंड्री को पार करने के लिए उतना मिला नहीं, सीधे लॉन्ग ऑन के हाथ में कैच थमा बैठे, और मोनिश ने लपक लिया है इस मैच में 2रा कैच। ये तो बहुत ही आसान कैच था मोनिश के स्टैंडर्ड के अनुसार, एक मुश्किल कैच भी उन्होंने लपका है। 0 पर आउट हुए मनोज। नक्की जर बाद होणार आपण फलंदाजाचा विचार केला तर जास्त मोठी धावसंख्या त्यांना मात्र उभारता आली नाही, विजय 4 धावांवर बाद झाला, त्यानंतर हरेश 2 चौकड्या आणि 8 धावांवर बाद झाला, आणि मनोजला तर मात्र इथे खातं सुद्धा उघड झालं नाही। मनोजने पहिला चेंडू अजय फेस केला होता, ओवरपिच चेंडू होता, टायमिंग मात्र बरोबर झालं नाही, फटका चांगला मिडल झाला होता पण जी लांबी हवी होती ती मात्र प्राप्त झाली नाही, आणि त्याच कारणे मात्र लॉंग ऑनला मात्र जेलबाजच्या स्वरूपात बाद होतोय। नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येतोय 5व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी समीर केने, सामना करेल फलंदाज हनुमान, गतीमध्ये पेस परिवर्तन, परंतु नक्की
दिशा मात्र कुठेतरी भटकताना उजवीच्या खूपच बाहेर जातो या चेंडू, पंचांच्या दुण्याचा मात्र वाईटचा इशारा। हालांकि सागर भोईर की ये स्पेशल गेंद है, लेग कटर बहुत अच्छा डालते हैं, लेकिन इस बार नियंत्रण में नजर नहीं आए। एक महान ऑलराउंडर है, ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में हम देखें तो सागर, सिटी क्रिकेट में भी उनका जलवा हम देख चुके हैं। इस बार तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सीधी निकल गई विकेट कीपर के पास। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, कहीं ना कहीं ये आदत है हनुमान केणे को, खड़े खड़े ज्यादा शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। अच्छी नोकझोंक है गेंद और बल्ले के बीच में, लेकिन अभी तक के खेल में हम देख रहे हैं कि गेंदबाज कहीं ना कहीं हावी रहे हैं, टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं फ्लॉप रहा है जय हिंद देवरुंग टीम का। सागर एक बार फिर से, इस बार इनसाइड एज, हनुमान काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और एक चीकी सिंगल इसी बीच। डायरेक्ट हिट यदि लगता तो वहां पर मेरे ख्याल से समीर को सीधे पेवेलियन की तरफ ही दौड़ना पड़ सकता था। इष्टावर निकिता निशाणा साधायचा होता, परंतु निकिता इष्टापासून खूपच दूर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। निकिता आपण मोठे फटके सुद्धा आज पाहिले या डावामध्ये, परंतु त्यानंतर इनिंग्स मात्र मोठी पाहायला मिळाली नाही, कारण एकामागे एक गडी सुद्धा बाद झाले। आणि त्यानंतर नक्कीच आपण पाहतो की गोलंदाजा सुद्धा एक ॲडव्हेंचर मिळाला की निकिता कमबॅक करण्याची संधी निकिता त्या ठिकाणी प्राप्त झाली। इस बार उछाल लेती हुई गेंद, स्लैश करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ सागर भोईर का। गेंदों की लेंथ में बहुत बढ़िया परिवर्तन कर रहे हैं, कभी गुड लेंथ पर रख रहे हैं तो कभी बैक ऑफ लेंथ, कभी धीमा भी डाल रहे हैं, तो मिश्रण करते हुए। लेकिन लाइन बहुत ही बढ़िया है उनकी, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखा है सागर भोईर ने। एक बार फिर से सागर राइट अमोर द विकेट। ओहो यॉर्कर बाल बाल बच गए बल्लेबाज और कुछ रन्स भी मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर। अजून करते ब्यूटी पार्लर, ए अजून करते ब्यूटी पार्लर, उडगो मतारी नवरा कर आया बाया ये घातीली। तर नक्की या ठिकाणी आपण पाहिलं तर सन्माननीय प्रकाशजी गगे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालं आहे। विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। प्रकाश गगे आपल्यास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। तर हा फटका अजय पाहिलं तर आपण बॅटच्या स्वरूपात कदाचित गेला होता, येस, कारण कुठलाही प्रकारचा आपल्याला निर्णय इथे मात्र आला नाही। इथे मात्र पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु नक्कीच कुठल्या प्रकारचा चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाही। धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जय हिंद देवरुख संघाची 3-18, दोन षटकांचा नक्कीच या ठिकाणी मात्र खेळ समाप्त होतोय। पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर एकूण 12 धावा आल्या होत्या दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये, आणि या षटकामध्ये तब्बल सागरने एक गडी बाद केला आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या। नेक्स्ट मॅच महाप संघाचा संघनायक आणि घोटसई संघाचा संघनायक, आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय रामकृष्ण काकड़े एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा के एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, अन्य मेहमान वहां पर सम्मानीय रामदास जी शेड़के साहब उत्कर्ष कॉलेज के उपाध्यक्ष है। एक बहुत बड़ी मौजूदगी इस टूर्नामेंट के लिए, मंच की शोभा को इस समय बढ़ाते हुए। स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, ज्यादा रन्स नहीं बने हैं, बॉलर्स कहीं ना कहीं हावी रहे हैं। सागर का ओवर बहुत ही जबरदस्त रहा, 6 रन देकर 1 विकेट, और अब अंतिम ओवर की जिम्मेदारी निखिल के कंधों पर है। निखिल कहीं ना कहीं हम देखें तो गेंदबाजी अटैक जो है उसमें इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है, अनुभव की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, लेकिन प्रतिभा है उनमें, अच्छी बॉलिंग निखिल भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि सागर भोईर है उनके टीम में जिनके साथ वो खेल रहे हैं, और सागर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त है। कई सालों से सागर क्रिकेट खेल रहे हैं, कई अनुभवी खिलाड़ी आपको इस टीम में नजर आएंगे और कुछ युवा खिलाड़ी भी है, तो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। जैसे कि देवरुंग टीम में भी हम देखते हैं ज़्यादातर अनुभवी खिलाड़ी है। अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया ड्राइव, ऑन ड्राइव किया है लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑन पर गलती और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
मोनिश की कितनी हम तारीफ कर रहे थे, क्या अद्भुत कैच उन्होंने लिया पहले ओवर में, लेकिन अब देखिए जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर चार रन दे डाले। नक्कीच खराब क्षेत्ररक्षण पाल आपल्याला त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू जाते लॉन्ग ऑनकडे, आउटफील्डमध्ये जर पाहिलं तर नक्कीच एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणून ज्याची ख्याती आहे, इथे मात्र दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजाने आणि त्या प्रयत्नामध्ये मात्र तो प्रयत्न फसतोय कारण फलंदाज धावतोच्या स्वरूपात मात्र त्या ठिकाणी बाद होतोय। समीर आउट हुए हैं, दूसरे रन की कोशिश वहां पर काफी जोखिम भरा रन था और आखिरकार अपने क्रीज में सुरक्षित नहीं पहुंच पाए, आउट होने से पहले सिर्फ चार रन बना पाए समीर। तो कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया है, तीन ओवर के मैचेस में हम देखें तो बड़ी पारी का यदि जिक्र होता है तो 15-20 रन भी एक बैट्समैन बनाता है तो एक अच्छी बड़ी पारी ही मानी जाती है, क्योंकि दो बल्लेबाज आपके 15-15 रन भी बनाए तो 30 रन वही हो जाते हैं और अन्य बल्लेबाज थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो भी आप तीन ओवर में 40 तक पहुंच सकते हो। अशा प्रकार का खेल मात्र जय हिंद देवरुख संघाने आपल्याला पाहायला मिळाला नाही, याचं कारण जे आपण नक्कीच गोलंदाजांचं सुद्धा कौतुक करू शकतो, कारण बॅक टू बॅक पहिले तर मोठी पार्टनरशिप ते मात्र होऊन दिली नाही, हे एक प्लस पॉईंट राहिला जय बुलेट सरुलपाडा संघाच्या गोलंदाजाचं। बिलकुल लगातार विकेट्स झटके है, इस बार ओवर पिच गेंद बहुत ही खूबसूरत ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात और दूसरे के लिए पलट चुके हैं, यहाँ पर थ्रो सटीक नहीं है उसका फायदा मिलता हुआ हनुमान को, दो रन कंप्लीट। हनुमान अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, मिडल कर रहे हैं गेंदों को, कुछ गेंदें उन्होंने बल्ले के बीचों बीच लेकर खेली है और कहीं ना कहीं इस स्ट्रोक के बाद तो उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा, जिस तरह से बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था, बहुत ही सुंदर ऑफ ड्राइव, दो रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है। निखिल एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट शॉट गेंद इस बार पुल कर दिया है बाहुबली का, ये बाहुबली स्ट्रोक 6 रन। खूपच छान फटका आपण पाहतोय, शॉर्टपिट चेंडू होता आणि नक्की त्याला पुल केलं, ज्या धावा येणं गरजेचं होत्या त्या धावा आता मात्र या षटकामध्ये आपल्याला हनुमानच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत। या तर चेंडू जर पाहिले तर अजय आपण पाहिले तरी आकाश स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता, हनुमानने नक्की 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न केला पण शेवटच्या क्षणी मात्र जे विचार होते ते मात्र बदलले आणि त्यानंतर आपल्याला एक ते मात्र मोठा फटका पाहायला मिळतोय। म्हणजे क्रिकेटमध्ये आपण म्हणतो की जर त्याला काही महत्व नसतो जे होतोय ते आपल्या डोळ्यासमोर नक्कीच क्रिकेटच्या खेळामध्ये पाहायला मिळत असतो। और देखिए पिछली गेंद को उन्होंने मिडल किया था, आत्मविश्वास भी बढ़ा और गेंद भी थोड़ी कमजोर मिली, शॉर्ट गेंद मिली, इस बार अच्छी गेंद थोड़ा आगे रखा और बीट किया बैट्समैन को, लंबा हिट लेने की कोशिश। ज़्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं हनुमान, हम देख रहे हैं कि जगह से ही ज़्यादातर उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश की है, गेंद की लाइन में ज़्यादा आने का प्रयास नहीं किया। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर निखिल द्वारा, अच्छी वापसी करते हुए सिक्सर लगने के बाद, स्कोर 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, पारी की अंतिम गेंद सामना करते हुए हनुमान केणे, इस बार शॉर्ट गेंद फोर्स कर दिया डाउन द ग्राउंड और फील्डर के ऊपर से मिलेंगे यहां पर हनुमान को 6 रन। ऊंची बैकलिप का कमाल, बैकफुट पर जाकर ताकतवर शॉट लगाया था, फील्डर को लगा कि मौका बनेगा उनका लेकिन नहीं, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया, फ्लैट 6 और पारी समाप्त होती हुई। एक अच्छा टोटल जय हिंद देवरुंग टीम ने बनाया है, 37 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर और इस मुकाबले को जीतने के लिए जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा टीम के सामने 38 रनों की चुनौती 3 ओवर्स के खेल में। इसके बाद वाले मैचेस महा बनाम घोड़सई और उसके बाद एडवेंचर वडवली वर्सेस जय बजरंग भावाले, घोड़सई टीम यहां पर पहुंच चुकी है, महाप टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है तुरंत आपको यहां पर रिपोर्ट करना है, महाप टीम के कैप्टन कमिटी से तुरंत संपर्क करना है, साथ ही एडवेंचर वडवली टीम के भी यदि कोई खिलाड़ी यहां पर पहुंचे है तो प्लीज कमिटी से तुरंत संपर्क करें। ¡Gracias!
गेम प्लॅन केला होता त्यामध्ये मात्र यश प्राप्त झालं गोलंदाज शरदला. पहिल्या गडी बाद होतो या जेबुलन सरुलपाडा संघाचा फलंदाज अल्पेश. त्यानंतर आपण पाहतो वन डाऊन होतो या नवीन फलंदाज सागर भोईर तिसऱ्या क्रमांकावर. इथे मात्र अतिशय जबरदस्त तो आन ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. लॉंगांकडे चेंडू अतिशय वेगाने जातो. मनोजकडे चूक घडतोय. चेंडू दोन पायांच्या मधून सीमारेषा फरार होतोय. चौकार राजा राणी जोडीला पाच मध्ये माडीला राजा राणी जोडीला पाच मध्ये माडी. बहुत ही स्लॉपी वर्क. साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण आप इतने बड़े टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा. महत्वपूर्ण बाउंड्री मोनिश के लिए. मोनिश का खाता खुलता हुआ. टीम का स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान पर. हालांकि गेंदबाज अच्छी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कैप्टन शरद. एक लॉन्ग ऑफ अप सीधा रखा गया है और एक डीप मिड विकेट. इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश. बिग इनसाइड एज और देखिए फिर से खराब क्षेत्ररक्षण. क्या हो रहा है मैदान में. जय हिंद देवरुंग टीम. बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग साइड मानी जाती है. हरीश द्वारा इस बार गलती. एक रन वहां पर पूरा किया है बल्लेबाजों ने और अब जाकर यह पहला ओवर समाप्त होता हुआ. स्कोर 11 रन एक विकेट के नुकसान पर. बचे हुए दो ओवर्स में 27 रनों की आवश्यकता है जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा टीम को यह मैच जीतने के लिए. योगेश आज 21 दिसंबर है और आज 1959 में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत का जन्म हुआ था. और उनके बारे में आपको एक रोचक बात मैं बताना चाहूँगा कि वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट लिस्ट ए क्रिकेट जो उन्होंने खेला उसमें उनका सर्वाधिक जो स्कोर था एक मैच में वो 123 ही था तीनों फॉर्मैट में. जे हा सुद्धा एक विक्रम आहे जे आपण म्हणू शकतो या अशा प्रकारचे जे आपण आकडे पाहतो या. कारण वन डे क्रिकेटमध्ये सुद्धा पाहिले तर हाय स्कोर त्यांचा 1 होता. त्यानंतर टेस्ट क्रिकेटमध्ये सुद्धा 130 धावांचा 123 धावांचा आपण पाहिलं तर बेस्ट स्कोर होता. आणि त्यानंतर लिस्ट करिअरमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर 123 अशा प्रकारचा आकडा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो. म्हणजे हा सुद्धा एक योगायोग आहे आपण म्हणू शकतो या. आणि अशा प्रकारचे आकडे आपल्याला नेहमीच पाहायला कधी मिळत नसतात. 100 होऊन 55 जर पाहिलं तर एका दुसरा आकडा नक्कीच आपल्याला असा पाहायला मिळतोय. जी हा बिलकुल सही का आपने. और साथ ही श्रीकांत साहब अपना जो बर्थडे है वो पाकिस्तान के लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के साथ शेयर कर रहे हैं जिनका 1934 में जन्म हुआ था. बहुत बढ़िया बड़े बल्लेबाज थे. लिस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैं ज़रूर बात करूंगा. इसी बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद मिस टाइम स्ट्रोक. गेंद के नीचे कवर में खिलाड़ी. बढ़िया कैच. विकेट का पतन होता हुआ. मोनिश लौटते हुए पेवेलियन में. थैंक यू डीजे. तो हनीफ मोहम्मद उनके बारे में मैं बता रहा था. 499 रन उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक पारी में बनाए थे और उनका जो 500वां रन था उसको लेने के चक्कर में रन आउट हुए थे. जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ब्रायन लारा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके नाम 500 रन है एक इनिंग्स में जो कि सर्वाधिक रन भी है एक पारी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. तो ये कुछ रोचक जानकारियाँ थी दर्शकों के लिए. लेकिन ये मैच काफ़ी रोचक चल रहा है. मोनिश हार्ड हिटर आउट हुए. नक्कीच. आणि इथे मात्र सामन्यामध्ये अजय रंगत तिरपाण होते. आपण पाहिले तर 38 धावा असं वाटलं होतं. नक्कीच जय बोलण्या सरुलपाडा संघ चांगला स्टार्ट नक्कीच या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच घेणार. चांगली धावसंख्या नक्कीच उभारणार. परंतु इथे मात्र गोलंदाजानं कौतुक करावं लागेल. शरदने नक्कीच ज्या विकेटची आवश्यक तो विकेट्स प्राप्त केला होता पहिल्या षटकामध्ये. आणि इथे मात्र आकाश पहिल्याच चेंडूर इथे मात्र विकेट्स प्राप्त करतोय. कमबॅक जय हिंदुरू संघाचं पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. अशा प्रकारच्या चेंडूर तुम्ही नक्कीच मोठे फटके खेळू शकणार नाही. सन्मान दिला जातो अतिशय वेगाने. एक धाव पूर्ण केली. सीमेरीशी लगत उभा असलेला क्षेत्ररक्षक हरेश अतिशय वेगाने आला. चेंडूला उचलतोय फेकतोय. तत्पुरते फक्त फलंदाजाला एकच धाव घेण्याची संधी त्या ठिकाणी मात्र प्राप्त होती. धावसंख्या पुढे सरकते 1-12 अर्थात 12 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जय भोलेनाथ सरुलपाडा. कभी कभी कुछ बल्लेबाजों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बल्ला चलाते हैं जिसमें से मोनिश भी है. और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से खेलने के चक्कर में ही वो आउट हुए. केवल टाइम करने की आवश्यकता थी जिस तरह की गेंद उनको मिली थी. इस बार फुल टॉस निकाल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है. ज़्यादा रन्स नहीं मिलेंगे. एक ही रन. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ. 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बड़ी जिम्मेदारी इस समय सागर भोईर और निखिल के कंधों पर है. सागर को यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा क्योंकि दोनों बल्लेबाजों में हम देखें तो सागर ज़्यादा अनुभवी है.
नक्कीच. आणि त्याच्याकडे जो अनुभव आहे, जे टॅलेंट आहे, त्या टॅलेंटनुसार मात्र ठिकाणी मात्र त्याला स्थिरपणाने फलंदाजी मात्र सातत्याने करावी लागेल. उलटा चेंडू स्वांग करतो, अतिशय जबरदस्त फटका, क्षेत्रक्षेत्र त्या ठिकाणी सज्ज, झेल सुटतो आणि चेंडू सरळ सीमेरेषेच्या पलीकडे जातो या सहा धावांसाठी. ऋतिक द्वारा गलती हुई है इस बार, निश्चित रूप से ये कैच था. सागर ने ज्यादा ताकत से इस बार नहीं खेला था, फुल टॉस गेंद लगभग दिशा दिखाने का ही काम किया था, टाइमिंग अच्छी थी लेकिन गेंद मैदान के अंदर ही थी. काफी दूरी तय की, काफी मेहनत की कैच लेने के लिए, लेकिन अंतिम क्षणों में गलती कर बैठे. सेफ पेयर ऑफ हैंड्स नहीं देखने को मिले और गेंद उनके हाथ से छिटकी सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. महत्वपूर्ण सिक्सर, इसे कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा. स्कोर 19 रन. मौका भी दिया और छक्का भी दिया जय, अशा प्रकार दृश्य कधी कधी महाग पड़ू शकत अपने संघाला. इथे मात्र लिडिंग एज चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि शेवटच्या क्षणामध्ये आपण जर पाहिले तर सुरक्षित हाताची जोडी आपल्याला पाहायला मिळाली आणि एक सुंदर झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. लक्षात घ्या, महाप संघाला ऑफिशियल वॉर्निंग आहे की आपण प्लीज त्वरित नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे, कारण गुटचाई संघ इथे मात्र कधीपासूनच सज्ज होतोय, तर प्लीज जास्त वेल ना आपण खर्च करता नाणेफेकीसाठी यायचंय. बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच, 19 रन बने हैं और 19 रनों की जरूरत जबकि सिर्फ 7 गेंदे शेष है. जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम 38 रनों का पीछा करती हुई. सागर को पिछली गेंद पर जीवन दान मिला था, 6 रन भी मिले थे लेकिन दूसरी बार उनको जीवन दान नहीं मिला. टॉपेज लगा था, काफी ऊपर चली गई थी गेंद, फील्डर भी हालांकि हमने देखा कि अच्छी तरह से जज नहीं कर पाए थे, लेकिन कैच लिया भवेश ने, सुरक्षित हाथों की जोड़ी उन्होंने पेश की, वही तो महत्वपूर्ण चीज है. नक्कीच, आपण पाहिलं चेंडूच्या खाली गिरकी घेत होता क्षेत्ररक्षक, शेवटच्या क्षणापर्यंत नक्कीच लक्ष केंद्रित ठेवलं चेंडूवर. इथे मात्र खराब चेंडूची फेकी, फुल टॉस, आणि इथे कुठेतरी असं मला वाटतं की अजय जैन दरुस्त संघाच्या बाजूने लक फॅक्टर पाहायला मिळते की काय, जणू काय ज्याप्रमाणे जर हा वृक्ष जर मैदानाच्या आतमध्ये नसता तर कदाचित हा चेंडू अजय आपल्या सीमेच्या बाहेर सुद्धा पाहायला मिळू शकला असता. मुश्किल एक आहे ना योगेश, ये कॅच भी हो सकता था क्योंकि वहां पर खिलाड़ी भी है डीप स्क्वेअर लेग पर और स्ट्रोक में इतना भी ज्यादा दमखम नहीं था कि गेंद हम कह सकते हैं कि बाउंड्री के बाहर ही जाती, कुछ भी हो सकता था. लेकिन यहाँ पर नियम है कि पेड़ को गेंद टकराती है कैच फील्डर लेते हैं तो बैट्समैन आउट है, और यदि मैदान के अंदर ही गेंद रहती है पेड़ को टकराने के बाद तो रन्स दौड़ कर लेने हैं, चौका जाता है तो चौका, सिक्स जाता है तो सिक्स दिया जाएगा. तो यहाँ पर इस आखिरी गेंद पर बल्लेबाजों ने लिए है 1 ही रन. जी हाँ, 1 ही रन लिया है तो स्कोर 20 पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति. 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में 18 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम को. 2 युवा बल्लेबाज एक क्रीज पर, निखिल और विनायक, जो अनुभवी बल्लेबाज थे वो कहीं ना कहीं आउट हो गए हैं, अल्पेश मोनिश और सागर भोईर. अल्पेश ने 6 रन बनाए 5 रनों पर, मोनिश आउट हुए और 7 रन बनाकर सागर भोईर आउट हुए. निखिल 2 पर बैटिंग करते हुए, विनायक ने अभी भी किसी भी गेंद का अभी तक सामना नहीं किया है. फिर तुरंत सजाना है देवरुंग टीम के कैप्टन, समय के मामले में प्लीज कोऑपरेट करें. इसके बाद घुटसई और महाप के बीच में एक महत्वपूर्ण मैच. सन्मान्य रामकृष्ण काकड़े साहब के शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. प्लीज दोनों टीमों के कैप्टन आपको बिल्कुल सामने आना है. जो टॉस का समय था वो निकल गया है इसलिए हम इंटरव्यू नहीं लेंगे कैप्टन का, तो दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज सामने आना है. मैच 4 ओवर्स प्रति पारी का रहेगा जिसमें पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा क्योंकि मैच पहले राउंड का है. आखिरी ओवर विजय केने के हाथ में, गेंद फ्लिक कर दिया है, जबरदस्त टाइमिंग और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन. तरीकेचा मॅच मध्ये अजूनही अजय रोमांच वाढतोय, ज्या कारण आपण जर पाहिले तर पहिल्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी षटकार आला, टायमिंगला जेव्हा पाहायला मिळाली या चेंडूमध्ये. तरीकेचा आता मात्र जर समीकरण पाहिले तर विजयासाठी 5 चेंडू आणि 12 धाब्यांची आवश्यकता. भरपूर मनोरंजन होता हुआ इस मुकाबले में भी दर्शकों का,
दोनों भी टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं है। देवरुंग टीम के कैप्टन प्लीज समय के मामले में कोऑपरेट करें, अथवा आपकी टीम को पेनलाइज भी किया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टूर्नामेंट है, नियमों का कोई भी टीम उल्लंघन करती है तो तुरंत पेनलाइज किया जाता है। अगले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस गोटसई टीम के कैप्टन ने जीता है और उन्होंने पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है विपक्षी टीम अर्थात महाप टीम को, यानी कि पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है गोटसई टीम के कैप्टन ने। 5 गेंदे 12 रन, दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, आसमान में काफ़ी बादल छाए हुए हैं, सूर्य देवता अब नदारद है, मध्यम मध्यम रोशनी है मैदान में, लेकिन चमकदार क्रिकेट। इस बार फिर से शफल कर चुके थे, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर जा रही है, रन नहीं लिया है। निखिल अपने पास ही स्ट्राइक रखना चाहते हैं, अच्छी वापसी, बिल्कुल पिछली स्ट्रोक की तरह ही स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार चतुराई से गेंद की थी, गेंद को ऑफस्टंप की जानबूझकर बाहर रखा, बल्लेबाज को फॉलो किया और डॉट बॉल। निकिता डॉट चेंडू जाजवला या ठिकाणी पाला मिलेला, त्यावेळ निकिता एक उत्साह निर्माण होईल जे हिंदुरुंग संघाच्या खेळाडूंमध्ये, जसा मोठा फटका मात्र लागेल तर खेळाडू कक्षामध्ये एक आनंदाचं वातावरण पाला मिळेल, आणि इथे मात्र एक मोठा फटका येतोय, परंतु लॉंगॉनकडे मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय, चांगली फेकी सुद्धा जे झाली होती, परंतु आपण मात्र इष्टांवर मात्र चेंडू ने निशाणा साधला नाही, चांगलं ताळमेल दोघांमध्ये आपण पाहिलं, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये पाहिली, दोन धावा नक्कीच पूर्ण केल्या, जसजसा अजय चेंडू कमी होत जात आहे तसं सामन्यामध्ये एक रंगत निर्माण पाहायला मिळते आपल्याला। अजूनही सामना जर पाहिला तर 21 षटकात 3 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 10 धावींची गरज, कोणता संघ जिंकणार कोणता संघ पराभूत होणार, 3 चेंडू नंतर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया संघर्ष हो रहा है, खींचातानी देखने को मिल रही है, गेंद और बल्ले के बीच की ये जबरदस्त नोक झोंक, विजय चले राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन पूरा किया, इस बार रन आउट का मौका आया अपील, लेकिन बल्लेबाज पहुंच गए, बढ़िया तकनीक, बल्ले को घसीटते हुए लेकर आए थे, 2 रन पूरे 2 गेंदे और चेसिंग कंपलसरी है, रन चाहिए 8 2 गेंदे बाकी 8 रन बाकी, दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला बाकी। आपण जर पाहिले तर हृदयाचा ठोके वाढवणार आज हा सामना पाहतोय, कारण ज्याप्रमाणे स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, आपण अगोदरच पाहिलं होतं की म्हटलं होतं की या सामन्याला आपण नाव दिलं होतं की वॉर ऑफ टायटन्स, का नाव दिलं होतं त्याचं प्रत्युत्तर आपल्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय, 2 चेंडूंमध्ये 8 धावींची गरज सरवलीपाडा संघाला, तर नक्कीच देवरुंग संघाला जिंकायचा असेल सामना जे, तर मात्र चांगल्या 2 चेंडूची फेकी करावी लागेल, बिलकुल, और 2 अच्छे शॉट्स जरूर खेलने होंगे यदि मैच को जीतना है तो सरवलीपाडा टीम को। कमाल का ये मैच, निखिल अच्छा खेल रहे हैं, एक छक्के की मदद से अभी तक उन्होंने 6 गेंदों में 12 रन बनाए हैं, लेकिन अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए, दूर दूर तक फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत फ्लिक, फिर से 1 रन पूरा किया है, इस बार 2 रन जरूर लेना चाहेंगे, ऊंचा थ्रो और 2 रन पूरे, चुनौती बरकरार रखने के लिए ये 2रा रन बहुत महत्वपूर्ण था सरवलीपाडा टीम के लिए, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है, क्योंकि मैच यदि टाई पर समाप्त हुआ तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। अब 1 गेंद और 6 छक्का चाहिए, गोल्डन षटकाराची आवश्यकता आहे इथे मात्र जय बोलण्यास सरवलीपाडा संघाला, आणि नेहमीच अजय आपण म्हणतोय की षटकार लावणं थोडंसं सोपं असतो परंतु 1 धाव घेणं सुद्धा थोडंसं कठीणदायक असतं, परंतु नक्कीच ह्या चेंडूवर तशा प्रकारे चेंडू मात्र गोलंदाज फेकेल का हा एक प्रश्न सुद्धा एक निर्माण होऊ शकतो या फलंदाजच्या मनामध्ये। देखिए दोनों भी क्वालिटी टीमें हैं और क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रहा है, पिछली दोनों गेंदे लगभग यॉर्कर लेंथ, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग करते हुए खेल रहे हैं बैट्समैन निखिल, पूरी तरह से चुनौती बरकरार रखी है निखिल ने सरवलीपाडा टीम की, 1 गेंद 6 रन, क्या फिर से यॉर्कर देखने को मिलेगा विजय केने द्वारा, या कुछ अलग गेंद वो करेंगे, बैट्समैन किस तरह से खेलेंगे, कई सारे सवाल है, लेकिन गेंदी सिर्फ एक ही है, रन 6 है, जवाब 1 गेंद के बाद मिल जाएगा। तनाव की स्थितियां है योगेश, बेचैनी का माहौल है और तनाव जो है वो वातावरण में भी हम महसूस कर सकते हैं। हो नक्कीच, ज्याप्रमाणे सामना होणं गरजेचं होतं अजय, तशाच प्रकारचा सामना मात्र या ठिकाणी प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळतोय, शेवटचा चेंडू 1 चेंडूवर 6 धावांची गरज, इथे मात्र सुंदर गोलंदाजी विजय केणेकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय, डॉट चेंडू आणि अशा रीतीने मात्र या सामन्यावर विजय प्राप्त करतोय जय हिंद देवरुंग संघ। हार्ड लक सागर भोईर अँड कंपनी अँड कॉंग्रॅच्युलेशन जय हिंद देवरुंग संघ।
डीजे अतिशय जबरदस्त सॉन्ग आपण पाहतोय मित्रांनो, परमेश माली यांच्या स्वमधुर आवाजातून. आणि या गाण्यासाठी राजू पाटील साहेबांनी नक्कीच 1 लाख रुपयाचा धनादेश दिला होता परमेश माली यांना. तर आपण जाऊया सामनावीराच्या पुरुषांकडे. दरम्यान या ठिकाणी ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं आहे, सन्मान्य विजयजी भेरे साहेब यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आणि सामनावीर पुरस्कार एक जबरदस्त इनिंग, संकटमोचक इनिंग नक्कीच आपण म्हणू शकतो. या 20 धावांची एक तुफानी केली, झंझावत केली, साकारले हनुमान केने इज द मॅन ऑफ द मॅच. ज्यावेळी जय हिंद धनु संघ नक्कीच अडचणीमध्ये सापडला होता, त्यावेळी एक हाती संघर्ष केला हनुमानने आणि नक्कीच आपल्या बॅटच्या स्वरूपात आपल्याला 20 धावांची एक सुंदर केली पाहायला मिळाली. आणि त्या सुंदर केलीच्या जोरावर जय हिंद धनु संघ मात्र हा सामना जिंकतोय. तर हनुमान प्लीज कम ऑन द स्टेज फास्ट. आणि यानंतर आपण पुढील सामना पाहणार आहोत घोटसई विरुद्ध महाप. घोटसई संघाच्या संघटनेने नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केला आहे, शत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि महाप संघाला प्रथम इन्व्हाइट केलं आहे फलंदाजीसाठी. पंतांना सुद्धा विनंती आहे की आपण पंच उमेश केने आणि पंच राजकुमार पाटील आपण प्लीज समरोप कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. तर आपण प्रथम त्या ठिकाणी सामना पुरस्कार देऊया. एक अमनेपाडा गावचे उत्कृष्ट ऑलराउंडर एक्सप्रेस गोलंदाज प्रसिद्ध उद्योजक रामकृष्ण काकडे साहेबांना एक विनंती आहे की आपल्या शुभहस्ते जी सुंदर ट्रॉफीज आहे ती आपण परिधान करणार आहोत. आणि त्यानंतर जबरदस्त क्रिकेटर मिस्टर अनंता केने मॅनपुराम भावाले यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी शीतपेय कोल्ड ड्रिंक्स या ठिकाणी देणार आहोत. तर अनंता केने आपल्याला विनंती आहे की आपण हे शीतपेय परिधान करूया. वेल प्लेड हनुमान, तुम्हाला पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि बेस्ट ऑफ लक. मित्रांनो पुढील सामना आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत दुपारच्या 17 नंतर लंच नंतर. आपण कुठे जाऊ नका, महाप विरुद्ध घोटसई मी थांबतोय. अजयगर सुद्धा या ठिकाणी विश्रांती घेत आहेत कारण समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तनाची वेल होत आहे. आपला सर्वांचा लाडका फणी समालोचक ज्याच्या माध्यमात नक्कीच आपण अनेक नवीन नवीन शब्द ऐकत असतोय. व्हॉइस ऑफ कास्टने सचिन गोंदले यांच्या स्वमधुर आवाजात आपण ऐकूया. आपण पाहत राहा स्वर्गीय महादेव उर्फ भाऊसाहेब दलवी स्मृती चषक 2019. धन्यवाद. धन्यवाद योगी पाटील, धन्यवाद अजय घरत. मैदानामध्ये आपण पाहू शकता घोटसई संघाने आपल्या क्षेत्रक्ष सजवलेला आहे फलंदाजीसाठी महाप संघ. सकाळी ठीक 11 वाजल्यापासून हा संघ इथे उपस्थित आहे. जवळजवळ 1:50 त्यांना संधी मिळालेली आहे या सामना खेळण्याची. विजयजी भेरे आमचे परम मित्र आमच्या रजा घेत आहेत, धन्यवाद विजयजी भेरे. सकाळच्या 17 मध्ये आपण पाहिलं असेल पीएफ ऑफिसरचे जो संघ आला होता, जी टीम आली होती पीएफ ऑफिसर ठाणे, सर्व जवळजवळ 20 ते 22 ऑफिसर्स आले होते. धन्यवाद. आपण पाहू शकता आमच्या टीव्ही स्क्रीनवर विजयजी भेरे आणि